आप ही इधर से भी एक साइड रह गई है। ये कितनी उंगलियां हैं? सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, मी ईमान फादी एंड ईमान द ब्रांड नेम, और इस वक्त हैं हम चांदनी चौक रेस्टोरेंट में। तो माशाल्लाह यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का डेकोरेशन डिकोर, और स्पेशली जिसको जो ये हैंडल कर रही हैं हिना द बेस्ट पर्सन। तो अब हम चलते हैं हिना की तरफ, तो आइएगा। जी इस वक्त हैं जी हम हिना के पास और पूछते हैं हिना से कि उन्होंने ये जो एटमॉस्फेयर बनाया, एनवायरनमेंट दिया और जो मोहब्बत थी इनकी, तो इसके बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हाँ जी जी हिना, अब ये बताएं कि आज मरियम इकराम की बर्थडे है और आपने ये इतना खूबसूरत सा डिकोर और सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? बहुत सारा स्टाफ है, इजीली मैनेज, अब तो आदत सी हो गई है ना, काफी टाइम हो गया यही करते करते। हिना का इसमें मेन रोल, मेन करेक्टर है और ये इसी तरह की माशाल्लाह मोहब्बत बांटते बांटते और आज हर एक की जुबान पे हिना 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 है। और हिना की यहाँ पे जो सुपर वियन है उसके साथ साथ जो यहाँ के खाने हैं उनका टेस्ट है माशाल्लाह लाजवाब है। तो हिना आप मतलब ये सब मैनेज करते हो, तो कोई मुश्किलात का सामना समटाइम्स आती है क्योंकि फैमिली भी होती है और ये जगह बहुत रशी रहती है, हर टाइम आप बिजी 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 बिजी, और वो भी लास्ट 6 ईयर से बस यही सब कुछ चल रहा है, तो इस वजह से फिर। और मरियम के लिए क्या कहेंगे? मरियम के लिए क्या कहूँगी, मरियम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं और बहुत सारा प्यार है क्योंकि वो बहुत अच्छी दोस्त भी है और एक बहुत अच्छी ब्लॉगर भी है और बहुत अच्छी एंकर भी है, कौन सी क्वालिटी है जो उसमें नहीं है, तो इसलिए उसके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच हिना, आपके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेज हैं। इस वक्त एक और पर्सनैलिटी का मैं आपको तारुफ करवाना चाहती हूँ जो हर जगह देखे जा रहे हैं और बड़ा खूबसूरत एटमोसफियर होता है और बड़ी प्यारी चीज़ें कैप्चर कर रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनको ज़रूर हम मुतारिफ़ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। इंट्रोडक्शन करवाएँ। जहाँज़ेब मेरा नाम है और मेरे स्टूडियो का नाम है हिज आर्टिस्ट बाय जहाँज़ेब, और इन लोगों की मेहरबानी है मुझे याद कर लेते हैं, पहुँच जाता हूँ इनके पास और इनके इवेंट को कोशिश करता हूँ खूबसूरत बनाने की। और बनाते भी हैं। और बिल्कुल आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, मौका देते हैं, बिल्कुल मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और चांदनी चौक रेस्टोरेंट का जो एटमॉस्फेयर है इसके बारे में बताएं। चांदनी चौक का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, खाना बहुत मज़े का है, मुझे बहुत पसंद आया, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम यहाँ आने की इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि इनको ज़रूर ज़रूर हम लोग नेक्स्ट हर फंक्शन पे देखें और देखते भी चले आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कैप्चर करते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर। मरियम इकराम की बर्थडे सेलिब्रेशन पे और इस वक्त हमारे साथ हैं टिकटॉकर्स में माशाल्लाह बड़ा अप जा रही हैं बुशरा गुलफाम, तो बुशरा गुलफाम से पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे और किस तरह का वो महसूस कर रही हैं और क्या कहेंगी मरियम के लिए? सबसे पहले तो इवेंट बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मतलब आप देखें ना एटमॉस्फेयर वगैरह, एम्बियंस और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा है। प्लस मरियम के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मरियम के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा उसके साथ हैं, क्या विश के अल्लाह ताला उसे बहुत खुश रखे, नसीब बहुत अच्छे करें और इसी तरह वो आने वाले सालों में प्यारी प्यारी बर्थडेज अपनी सेलिब्रेट करती रहे। थैंक यू सो मच। और इस वक्त हमारे साथ हैं इनके लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड, तो हम इस वक्त चल रहे हैं जी जैजी भाई की तरफ। तो जैजी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप जी मैं बैठती हूँ। हाँ जी, अब आप बताएं जी आप यहाँ पे कैसे और क्या? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है तो आप सब सुनते भी हैं देखते भी हैं। आज हम यहाँ चांदनी चौक पे हैं और बाय चांस मैं आज सेकंड टाइम मतलब जल्दी आ गया हूँ क्योंकि अभी लास्ट वीक भी आया था, और यहाँ की पता है आपको जो खाना है, यहाँ की जो हाइटी है वो तो ऑसम है, और हिना बड़ा अच्छा यहाँ पर मैनेज कर रही हैं और ज़बरदस्त उनकी यहाँ अरेंजमेंट्स होती हैं। आज यहाँ पर रंग हैं, फातमीश यहाँ पे हैं हमारे साथ, रंग भी हैं और बहुत सारे दोस्त जमा हैं यहाँ पे, क्योंकि आज यहाँ हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त की बर्थडे है और जब सालगिरह होती है आप सब काम छोड़ के आते हो, चाहे आप शोज कर रहे हैं कहीं भी होंगे आप उड़ते हुए आओगे, क्यों? कुछ लोग होते ही ब्लेस्ड हैं जिनके लिए आना बनता है,
और मरियम ऐसी ही हैं, मरियम इकराम जो है उनका कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, अ ग्रेट पर्सन, और फूड ब्लॉगिंग में तो उनका एक आला मकाम है, क्या कहती हैं आप? और जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं फादी एंड ईमान, वो भी एक आला मकाम के मालिक लोग हैं। जब से मिला हूँ इन सबसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वी ऑल आर फ्रेंड्स नाउ। और आज बर्थडे के लिए मैं हैप्पी विशेज़ कहता हूँ मरियम को। द फूड वॉज गुड, द केक वॉज नाइस, द एम्बियंस, द डेकोरेशन एंड द ड्रेस बाय फादी एंड ईमान वॉज वेरी आला। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो आई थिंक ओवर टू फातमीश, कुछ कहना चाह रही है लगता है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। अब हम जा रहे हैं फातमीश की तरफ और देखते हैं फातमीश यहाँ पे कैसे और क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हैं, बताएं जी। हाँ जी, आज मुझे इन्विटेशन आया था मरियम की तरफ से। वैसे तो आपको पता है कि बहुत हेक्टिक रूटीन है, कुछ इवेंट्स है मेरे आगे प्लान में, लेकिन सारे काम छोड़ के मैं सिर्फ यहाँ पे आई हूँ अपनी फ्रेंड की बर्थडे इनको विश करने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में इतने, आई एम थैंक्स टू माई अल्लाह के इतने सिंसियर फ्रेंड्स हैं। और माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, एंड द केक, द डेकोर एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड, लाइक मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस। एंड मोर ओवर जेजी इज विद अस, और एज यू कैन सी कि जब जेजी बोलता है ऑफकोर्स हम नहीं बोल सकते उनके सामने, तो या थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा जी, अब हैं हमारे साथ मरियम इकराम। और सबसे ज्यादा जो खास बात, चांदनी चौक रेस्टोरेंट जिसे हैंडल कर रही हैं हमारी हिना, और हिना से भी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, और ये सारा जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं ये हिना की वजह से। अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं बहुत स्पेशल जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं, मरियम इकराम। चलते हैं मरियम इकराम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। बोलिएगा, आज मेरा बर्थडे है, स्पेशल थैंक्स टू चाइना शॉक, जिन्होंने इतना खूबसूरत डेकोर दिया, इतना प्यारा सा केक दिया विद फ्रेश फ्लावर्स, और मेरा मतलब लाइक लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है विद फ्रेश फ्लावर केक जो है। और आई विल लव टू थैंक्स जो मेरे गेस्ट आए, आप, ईमान आपी, फादी भाई, जैजी जो एक कॉल पर भागे भागे आए, उसके बाद फातमेश, बुशरा, मेरी फैमिली, वो लाइक बहुत एक स्पेसिफिक से मेरे जो गेस्ट थे वो यहाँ पर आए हैं, और मुझे इन्होंने रिगार्ड किया, इनके पेरेंट्स, और ये मेरा बच्चा भी एक छोटा सा आया है यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है सब यहाँ पर आए हैं। इवन के एक मेरे भाई हैं, उनकी मिसेस भी आई हैं, उनकी बेटी भी आई है, मतलब लाइक इतना अच्छा कि आप, टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी को वक्त देना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बट जब टाइम निकाल कर किसी के लिए आते हैं तो उसका रिगार्ड करना चाहिए, और मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो सो अब हम चलते हैं, चूँकि ओकेजन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग अभी सेलिब्रेशन की तरफ चल रहे हैं, आइएगा प्लीज़। आप ना ये देखें, मैं एक सेकंड ठहरो, ये अंकल, चले देखे, देखो देखो देखो, फोटो बनाइए आप लोग के हाथ कितने हैं? आइए आइए, हाथ भाई आप ही करें। रेडी, तेरे सॉन्ग का क्या? सॉन्ग लगा दो, बाय बाय, चला दो सॉन्ग। जी जी, पीछे ले ले भाई, आप ले लो सैम्स, काटे फोक के था जी, काटो काटो। जबरदस्त
आप इधर से भी एक साइड रह गई है। ये कितनी उंगली है? ये मैं प्रोटेक्शन के लिए लगाई हुई है। कोई नहीं लग गया था। तो आप तो क्लैप आई कोई नहीं है। अच्छा मरियम, आप क्या फीलिंग है वैसे बर्थडे के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और We want to see your compass. Happy birthday. Hi, मेरा मैं उसे कुछ तो करती हूँ वैसे।